सगाई में हम लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये, मेरे सामने बिल्कुल सूरज निकलता हुआ और इतना प्यारा लग रहा है, मुझे लग रहा है यहीं खड़े होकर एक दो फोटो क्लिक कर लूँ, लेकिन रुक नहीं सकते हम अभी, अभी हम लोग को ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटा और राइड करना है। गाइज वेलकम बैक टू द चैनल, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस समय 4:26 हो रहा है और बस मैं जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट रेडी हो गया हूँ, सिर्फ गेयर्स पहनना बाकी है। तो बस गेयर्स पहनता हूँ और उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा लेट नहीं होना चाहता। जितना जल्दी यहाँ से निकलूँगा उतनी जल्दी पहुँचूँगा, तो क्योंकि आज होली भी है सो मैं ये नहीं चाहता कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँ। सो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, अभी तो 10 आवर्स दिखा रहा है, सो होप जल्दी पहुंच जाऊं। सो बांध लिया है सामान और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि कोई हेल्प नहीं करने वाला था, और 5:19 हो गया है सो काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन होप कि अब कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से बांध लिया है मैंने। बस अब नेविगेशन लगा ले। It's 9:19. लेकिन अगर आपको पेट्रोल चाहिए देन यू विल वेट फॉर सम मोर टाइम, जो कि हमारे पास है नहीं। सो वी आर गोइंग फर्दर क्योंकि अभी तेल है गाड़ी में। सो आई थॉट कि कहीं आगे डलवा लेंगे, और अभी इस रूट पे काफ़ी मिलने वाले हैं। सो आई थिंक हियर इज द वन, व्हिच एवर ड्रिल टू बी डन इज कंप्लीटेड। As you can see, जब मैं आया था तो मैंने यहीं पर गाड़ी रोकी थी और मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक किए थे, क्योंकि ये एक ट्रेडमार्क है अमृतसर का, जब भी आप अमृतसर में एंटर करते हो तो यहीं से करते हो, और ये चीज़ देखते ही समझ में आ जाता है कि हाँ यू आर इन अमृतसर। सो नाउ वी आर क्रॉसिंग इट अगेन, सो से बाय बाय टू द अमृतसर। सो गाइस एज यू कैन सी कि धूप निकलने वाली है थोड़ी देर में, इस तरह से सनराइज होगा ऐसा फील हो रहा है। जस्ट लुक एट इट, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। सो गाइस हम लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये, मेरे सामने बिल्कुल सूरज निकलता हुआ और इतना प्यारा लग रहा है, मुझे लग रहा है यहीं खड़े होकर एक दो फोटो क्लिक कर लूँ, लेकिन रुक नहीं सकते हम अभी, अभी हम लोग को ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटा और राइड करना है। एक्चुअली फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है कि मेरी
चेन में आवाज़ बहुत कर रही है चेन। मैंने पूछा कि कहीं पर चेन स्प्रे या फिर कुछ ऐसा मिल जाएगा क्या। सो देगा इससे कि आपको अराउंड 20 किलोमीटर्स चलना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिलने के चांसेस है। ठीक है भाजी, थैंक यू जी। यहाँ पर कार ठीक करते हैं और मैंने इनसे बोला कि ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। देन हेल्प की गाइज, इट्स 9:09 इन द मॉर्निंग और अभी मैं अंबाला क्रॉस कर रहा हूँ। पंजाबी तड़का इस होटल का नाम है, तो मेरे को भूख लग रही थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था तो इसलिए रुक गया। अभी यहाँ से 222 किलोमीटर्स दिखा रहा है घर, तो मतलब 330 अराउंड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10:30 होने वाला है। बस मेरे GoPro की बैटरी ख़त्म हो गई है, लेकिन मैंने चेंज कर दी है बिकॉज़ आई हैड टू बैटरीज, सो मैंने दोनों चार्ज करके रखी हुई थी, एक ख़त्म हो गई है, एक अब डाली है मैंने नई, सो ये घर तक चल जाएगी। वैसे ये छोटा ही रेस्टोरेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था और ना कुछ बहुत ज़्यादा हाईफाई था, लेकिन जो इसका टेस्ट था खाने का बहुत अच्छा था। माई ब्रदर बस सेम आ रहा है उधर से, तो सुखदेव के पराठे जरूर लेते आना। सो एज यू गाइस कैन सी कि पराठे ले लिए गए हैं। सो एकदम से पता नहीं क्यों मेरा प्लान बन गया कि मैं ईपी से जाऊंगा। जैसे मैं सीधा जा रहा था वहाँ ईपी के लिए कट था, तो पता नहीं क्यों मेरा मूड किया कि चल ईपी से चलते हैं। इंसान 600 किलोमीटर से आ जाता है और कोई गेट नहीं खोलता। हद हो गई यार, बताओ बेइज्जती घनघोर बेइज्जती, घनघोर में भी घनघोर बेइज्जती। मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के लिए कि लाइक जब मैं यहाँ से गया था थोड़ा लेट हो गया था, बारिश भी हो गई थी और अराउंड 8-9 बजे के समथिंग निकला था, 8:30-9 बजे के समथिंग। और वहाँ पर अमृतसर जब मैं पहुँचा था तो लगभग मतलब 7:45 के समथिंग हो रहा था। सो जब मैंने कैलकुलेट किया कैसे कैसे कितना किलोमीटर फ्रॉम माई होम, तो अराउंड 600 किलोमीटर्स इन 11 आवर समथिंग मिनट्स में मैंने किया। ओके, सिचुएशंस टफ थी आई नो, लेकिन मैंने किया, उस चीज़ से मेरे को कॉन्फिडेंस मिला। देखो यार,
आई एक्सेप्ट कि मैं बहुत ज्यादा लंबे समय से राइड नहीं कर रहा हूँ. हाँ मैं लंबे समय से कर रहा हूँ लेकिन बहुत ज्यादा लंबे समय से नहीं कर रहा हूँ. लाइक सिंस 8 and 9 years ऐसा कुछ नहीं है. लाइक 2 साल से ऐसा कुछ. जब इतनी लंबी राइड आप कर रहे हो एक दिन में, वो भी जब सुबह अच्छा मौसम नहीं है, बीच में आपको ना जाने कितनी जगह रुकना पड़ा, कभी कभी बारिश है, कभी आपको गोप्रो निकालना है, कभी आपको रेनकोट पहनना है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं. और जब बारिश हो रही होती है तो उतना तेज़ आप नहीं चला सकते. लेकिन उस चीज़ से जब मैंने वो चीज़ की, उस चीज़ से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला. और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे यही हुआ कि यार मैं ये कर सकता था इतनी हार्श कंडीशन में, तो जब इजी कंडीशन होगी तब मैं कितना इजीली कर सकता हूँ. और आज मैं ऑलमोस्ट 3 बजे से पहले ही पहुँच जाऊँगा, और जबकि मैं 5:30 के भी बाद निकला था. आपको पता है लाइक 5:30 के अराउंड निकला था. तो अब आप सोच लीजिए कि कितना टाइम कम हो गया, और वो भी तब जब मैंने सिर्फ 2 ब्रेक लिए हैं. एक तब जब मुझे कुछ खाना था, और दूसरा तब जब मेरे को वहाँ पैक कराना था. तो मैं यही कहना चाहूँगा, जब तक आप इतना ज़्यादा सोचोगे कि मैं कैसे करूँगा, नहीं होगा. लेकिन अगर आप करने उतर जाओगे तो कैसे ना कैसे कर लोगे. दिस इज द थिंग यार, ये एक एडवेंचर स्पोर्ट है. राइडिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट है, और कोई भी स्पोर्ट हमें यही सिखाता है कि हम कैसे लड़ते हैं अपनी लाइफ में सिचुएशन से. सपोज मैं कहीं जा रहा हूँ, एकदम से बारिश होने लगी और राइडिंग करना मुश्किल हो गया, ठंड भी लग रही है, लेकिन स्टिल मुझे राइड करना है क्योंकि मुझे टाइम से पहुँचना है. अगर अंधेरा हो गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. तो ये टफ कंडीशन है जिसके अगेंस्ट मैं सीखूंगा कि मुझे कैसे करना है काम. और वही चीज़ जब लाइफ में मेरे सामने आएगी कोई प्रॉब्लम, तो मैं सीखूंगा कि यार टफ कंडीशन चाहे कितनी भी हो, अगर हम सर्वाइव करने की कोशिश करें तो शायद सर्वाइव कर जाते हैं. दैट इज़ द मेन थिंग. और मेरी टेड टॉक यहीं पर ख़त्म होती है. तो अब मैं सीधा आप लोगों को घर जाके मिलूंगा.